अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की खीर, यानी कि गाजर का जो गजरेला होता है, जिसे गजरेला कहते हैं, वो बहुत ही टेस्टी बनता है, जिसे शाही गजरेला भी कहते हैं। तो इसमें कुछ जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको रेसिपी कार्ड में मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे मैंने जो चीज़ें जो भी यूज़ करूँगी, उसकी क्वांटिटी सब कुछ जो है वो मैं रेसिपी कार्ड में आपको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे मैंने कैरेट को ऑलरेडी जो है वो ग्रेट करके रख लिया था, ताकि टाइम जो है वो वेस्ट ना हो हमारा। और सारी चीज़ें जो भी हैं वो मैं आपको बताती चली जाऊँगी। तो फिर सबसे पहले जो है वो हम रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं मिल्क ले लूँगी, और ये 1.5 लीटर जो है वो मिल्क है, फ्रेश मिल्क यूज़ कर रही हूँ, फुल क्रीम मिल्क है ये, इससे टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप फ्रेश मिल्क यूज़ करें। तो सबसे पहले जो है मिल्क को मैं बॉईल कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने राइस को जो है ऑलरेडी सोक करके रख लिया था। अब थोड़ा सा जो है इसे मैंने क्या करना है, थोड़ा सा क्रश कर लेना है, लेकिन बहुत पाउडर फॉर्म में जो है वो मैंने इसको नहीं बनाना, ठीक है। ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो चावल के मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो मिल्क जो है वो बॉयल हो रहा है, जब तक जो है मैं इसे थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। और यहाँ पे बॉयल होने के लिए जो है वो मिल्क मैंने रख दिया था। अब तकरीबन 3 जो है वो मैं इलायची इसमें यूज़ करूँगी। आपने क्या करना है कि मेरे पास अभी पाउडर फॉर्म में इलायची मौजूद नहीं थी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दें, ठीक है। मिल्क यहाँ बॉयल हो रहा है और इलायची मैंने इस वक्त 2 से 3 इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मिल्क बहुत अच्छी तरह जो है वो बॉयल हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा और ये कुक हो जाए, बॉयल हो जाए, तो फिर मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने चावल जो है भिगोया था, तकरीबन ये जो है 15 से 20 मिनट मैंने भिगोए थे चावलों को, फिर हल्का सा मैंने इसे क्रश कर लिया है, ठीक है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे चावल ऐड कर लूँगी। और इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक मिल्क का जो कलर है थोड़ा सा अच्छा सा चेंज ना हो जाए, ठीक है। फ्लेम को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, ताकि अच्छी तरह जो है ये चावल कुक हो जाए और अच्छा सा कलर जो है वो आ जाए इसमें, ठीक है। और अब इस स्टेज पे जो है वो मैंने कैरेट रखी थी वो ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और कैरेट जो है वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने ये तकरीबन 3 से 4 जो है यहाँ पे कैरेट यूज़ किए हैं, ठीक है। तो फ्लेम को जो है भी मैंने मीडियम किया हुआ है, ताकि कैरेट और राइस जो मैंने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह एक लगें, सेम लगें, अलग अलग ना लगें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ, शुगर ऐड नहीं करना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी इसमें मैं। इससे बहुत अच्छा रिच और क्रीमी फ्लेवर जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ, तो शुगर आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि इतना मीठा जो है वो इनफ है, ठीक है। अच्छा, इसका मज़ीद टेस्ट डेवलप होने के लिए जो है मैं इसमें खोया ऐड करूँगी। बहुत अच्छा और रिच फ्लेवर मज़ीद आएगा, क्योंकि हमने इसमें कंडेंस मिल्क भी यूज़ किया है और खोया तकरीबन जो है वो 1 पाव यूज़ कर रही हूँ मैं। आप अपने अंदाज से कर लीजिएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करूँगी इसमें। ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आलमंड लिया है और पिस्ताशू लिया है, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब मज़ीद इसे कुक करेंगे। और इसका टेक्सचर जो है स्लोली स्लोली जो है वो थिक होता जा रहा है, और हमें थिक ही चाहिए, ठीक है।
इतना इसे बना लेंगे कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी और कम हो जाए और इसमें थिकनेस जो है जो हमें चाहिए वो आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है ये। आप ये देखें कि गाजर और हमने जिसमें राइस ऐड किए थे वो बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, तो हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए कुछ इस तरह। ये देखें, ठीक है, मिल्क और राइस, कैरेट, सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वल हो गई हैं इसमें। तो यहाँ पे जो है रेडी हो गया, मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा गर्म है, स्टीम आ रही है, और ये सिर्फ फ्रिज में रख दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और सारे हमने तीन चीज़ें इसमें ऐड की हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, और इससे ज़्यादा अगर आपको थिक रखना है तो भी रख सकते हैं, बट ये है कि इतनी इनफ है। और कैरेट भी जो है वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किए, बहुत नॉर्मल किए मतलब। ओके व्यूअर्स, तो ज़बरदस्त जो है यहाँ पे गजरेला यानी गाजर की खीर जो है हमारी जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, सिल्वर पेपर मैंने इसमें जो है लगा दिया है, चांदी का वर्क जिसे कहते हैं, थोड़े से पिस्ताशो और आलमंड जो है वो मैंने ऊपर से लगा दिया है, तो प्रॉपर इसकी लुक जो है एक शाही गजरेला खीर जिसे कहते हैं वो आ रही है। और इसका फ्लेवर जो है काफ़ी रिच है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है हमने इसमें ऐड की हैं, कंडेंस मिल्क और खोया, और मज़ीद इसमें जो है वो हमने ऐड किया था ड्राई फ्रूट, सो इससे इसका फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद है पसंद आई होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।